दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग एक और पोएम करेंगे। विलियम शेक्सपियर की है, हमारा जो न्यू सिलेबस है ना उसमें है ये। अब ये जो पोएम है ना अपनी, द ट्रायंफ ऑफ डेथ, ये पोएम 71st सोनेट है विलियम शेक्सपियर की। 71वीं, पिछली पोएम पढ़ी थी हम लोग 29 थी, ये है 71st सोनेट। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि मैं सिलेबस पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछा था, आप लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। मैं इस वीडियो के बाद में सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फाइन। अगर बैकग्राउंड में से कुछ शोर शराबा आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, कॉलोनी में बच्चे भी खेल रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ें आ सकती हैं थोड़ी बहुत। तो अभी ऐसा है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पोएम पर। द ट्रायंफ ऑफ डेथ, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सोनेट नंबर 71। तो जैसा मैं बेसिक बैकग्राउंड तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के राइटर, सबसे बड़े इंग्लिश राइटर, 154 सोनेट्स लिखी, जिनमें से 1 से लेके 126 तक जो सोनेट्स हैं दे बिलोंग टू फेयर यूथ। एक फेयर यूथ या फिर बोल सकते हो एक यंग मैन, अननोन यंग मैन के ऊपर लिखी गई है। तो ये पोएम भी जो कि 76 71 नंबर की है, ये भी इसी में फॉल करती है, यानी 1 से 126 के बीच में, ठीक है। तो ये भी फेयर यूथ को ही बिलोंग करती है, यानी उस यंग मैन, उस अननोन यंग मैन को बिलोंग करती है। अब हम बेसिकली पोएम पे आते हैं मेनली, क्योंकि ये भी एक सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है। तो वही 4 4 एंड 4 के 3 क्वाट्रेंस हैं, यानी 4 लाइन की स्टेंजा, और लास्ट में एक कपलेट है 2 लाइन का, है ना, ठीक है, इसी वे में चलेगी पोएम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नो लॉन्गर माउन फॉर मी वेन आई एम डेड। अब देखो, पोएट बोल रहा है, पोएट बोल रहा है, और एक्चुअल में किसको बोल रहा है? पोएट अपने उसी यंग मैन, उसी डियर फ्रेंड, उसको बोल रहा है कि नो लॉन्गर माउन फॉर मी वेन आई एम डेड, कि मेरे लिए माउन यानी विलाप मत करना, रोना मत, डू नॉट ग्रीव ऑन मी, मुझ पर दुख मत, मेरे ऊपर दुख व्यक्त मत करना। वेन आई एम डेड, जब मैं खत्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं, मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है अपने मित्र से कि प्लीज डू नॉट क्राई, वीप और ग्रीव ऑन मी, मेरे ऊपर किसी तरह का विलाप या किसी तरह का दुख तुम व्यक्त मत करना जब मैं मर जाऊं। देन यू शैल हियर द सर्ली सैलन बेल गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड दैट आई एम फ्लैड फ्रॉम दिस वाइल वर्ल्ड विद वाइलेस फॉर्म्स टू ड्वेल। तो देखो कि जब मैं मर जाऊंगा, राइटर बोल रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद में क्या तुम्हें क्या सुनाई देगा? देन यू शैल हियर, तुम्हें सुनाई देगा, क्या देगा? द सर्ली सैलन बेल, सरली सलन बैल। सरली मीन्स बैड, इल ह्यूमर्ड, सलन भी इल ह्यूमर्ड, कहने का मतलब है कि एक बुरा संकेत देने वाली बैल, घंटी की आवाज में सुनाई देगी, सरली सलन। अब देखो, स और सा, सरली सलन, सा सा, पहला शब्द सा, साउंड रिपीट हो रही है ना, इससे कॉन्सोनेंट रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या है? एलिट्रेशन है, क्या है? एलिट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखो, क्रिश्चियन मतलब माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, क्रिश्चियन कल्चर बोलेंगे, है ना। क्रिश्चियन कल्चर में क्या है कि वहां पे जब किसी को दफनाने जाते हैं, मर जाता है व्यक्ति, तो फिर चर्च में भी घंटी बजाई जाती है ना। तो ये उसी घंटी की बात हो रही है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें क्या सुनाई देगी? सरली सलन बैल की एक इल क्या बोलते हैं, ओमेन, यानी बुरा संकेत देने वाली एक अपशगुनी घंटी सुनाई देगी तुम्हें। गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड, जो कि इस संसार को वार्निंग देगी। किस बात की वार्निंग? वार्निंग देने का मतलब यहां पर है इस संसार को इंफॉर्मेशन देगी, चेतावनी देगी, दैट आई एम फ्लैड, कि मैं अब चला गया हूं। वो घंटी क्या सूचना देगी सबको? क्या चेतावनी देगी? कि मैं अब चला गया हूं। कहां चला गया हूं? फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड, इस बुरे संसार से, इस बुराइयों से भरे हुए, द वर्ल्ड फुल ऑफ इविल्स, वाइल मतलब ऐसे कपटी लोग हैं संसार में, तो इस कपटी संसार से, विद वाइलेस्ट वॉर्म्स टू ड्वेल, जिसमें बहुत ही घिनौने कीड़े निवास करते हैं, यानी वो लोगों को बोल रहा है। वाइलेस्ट फॉर्म्स एक मेटाफर है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ह्यूमन के लिए, है ना। और देखो, वाइलेस्ट फॉर्म यानी वॉर्म तो कीड़े, और वाइलेस्ट मतलब बहुत ही बुरी नियत के कीड़े या बहुत ही बुराई वाले कीड़े, ऐसे मान लो। तो ये ह्यूमन को बोला गया सबसे ज्यादा कि भाई जब बैल बजेगी तो क्या वार्निंग मिलेगी इस वर्ल्ड को? इस वर्ल्ड को ये संकेत मिलेगा कि मैं चला गया हूँ। कहाँ चला गया? कहाँ से चला गया हूँ? इस बुरे संसार को छोड़ के चला गया हूं, जिस संसार में क्या रहते हैं? वाइलेस्ट वॉर्म्स टू ड्वेल, जिसमें बहुत ही बुरे कीड़े रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, ठीक है। वाइलेस्ट वॉर्म की अगर आप सुनोगे, मतलब पढ़ोगे पढ़ोगे तो क्या फील होगा? वाइलेस्ट वॉर्म, वा और वा, वा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, अगेन इट्स एलिट्रेशन, क्योंकि वा साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है।
तो यहाँ भी एलिटेशन है वायलेट फॉर्म्स में, ठीक है। ऐसे देखो, अच्छा विद भी है, वर्ल्ड भी है, ओहो बहुत बड़ा एलिटेशन, ध्यान नहीं दिया मैंने तो। वर्ल्ड विद वायलेस्ट फॉर्म्स, पूरे चार हैं ये एक्चुअल में, वह साउंड का गजब का रिपीटेशन हो रहा है, ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, ठीक है ओके। अब जैसे इसमें ऊपर देखा जाता है, आप इसको पूरी दो लाइन भी शो कर सकते हो कि इधर वार्निंग भी वह है, इधर वर्ल्ड में भी वह है, फिर यहाँ अगेन वर्ल्ड है, फिर विद है, वायलेस्ट फॉर्म्स है, सब जगह वह रिपीट हो रहा है दो लाइन में, पूरा एलिट्रेशन का वो चल रहा है ना कॉम्बिनेशन पूरे ढंग से, ठीक है। तो ये अपना पहला स्टैंजा हो गया एक तरीके से, चार लाइन पहला क्वाट्रेन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ने नो इफ यू रीड दिस लाइन, कि नहीं तुम अगर ये लाइन पढ़ो कभी तो रिमेंबर नॉट, याद मत रखना, डू नॉट रिमेंबर, किसको याद नहीं रखना है, हुम नॉट रिमेंबर, किसको याद नहीं रखना है, द हैंड दैट रिट इट, जिस हाथ ने ये लिखी है ना, कौन सी ये कविता, ये लाइन की बात कर रहा है, इसमें मतलब कविता की बात कर रहा है। इफ यू रीड दिस लाइन, अगर तुम ये लाइन देखो यानी ये कविता पढ़ो कभी, ये कविता तुम्हें पढ़ने में आ जाए फ्यूचर में, तो रिमेंबर नॉट द पर्सन हु हैज रिटन इट, तो ये मत याद रखना कि ये किसने लिखी है, उस व्यक्ति को तुम्हें याद नहीं रखना है, वो कौन है, वो खुद राइटर है, क्योंकि राइटर अपने लिए बोल रहा है कि तुम मुझे याद मत रखना, अगर भविष्य में मेरी ये कविता तुम्हारे सामने कभी आ जाए तो तुम ये दिमाग मत लाना कि ये तो मेरे दोस्त की लिखी कविता है, मुझे याद नहीं रखना, अगर क्योंकि तुमने अगर ये ध्यान दे दिया कि मेरे दोस्त की लिखी कविता है, तुम्हें मेरे बारे में ख्याल आ जाएगा और तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, कहने का मतलब वो है कि इफ यू रीड दिस लाइन, अगर तुमने लाइन पढ़ ली फ्यूचर में कभी, तो रिमेंबर नॉट द हैंड दैट रिट इट, तो उस हाथ को याद मत रखना जिसने लिखी है, फॉर आई लव यू सो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, राइटर बोल रहा है कि मैं तुमसे अपने मित्र के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, दैट आई इन योर स्वीट थॉट्स वुड बी फॉरगॉट इफ थिंकिंग ऑन मी देन शुड मेक यू हु, क्योंकि अगर तुम्हारे स्वीट थॉट्स में मुझे भुला दिया गया है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, वो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दैट आई इन योर स्वीट थॉट्स वुड बी फॉरगॉट, क्योंकि तुम्हारे स्वीट थॉट्स में मैं खुद को भुला देना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ अपने विचारों में, मुझे भूल जाओ, क्योंकि इफ थिंकिंग ऑन मी, क्योंकि मुझे अगर तुमने मेरे बारे में सोचा, अगर ये पोएम पढ़ गई तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल आ गया कि ये तो मेरे मित्र ने लिखी है, इफ थिंकिंग ऑन मी देन शुड यू मेक यू वू, तो क्या होगा, देन शुड मेक यू वू, वू मतलब दुख है ना, तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हें दुख होगा याद करके कि ये तो मेरे मित्र की कविता है और मित्र अब जीवन में नहीं रहा, ही हैज गॉन, ही हैज डाइड, वो मर चुका है, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है कि तुम्हें ये याद ही ना रहे तो बढ़िया है कि कविता किसने लिखी है, तुम्हें वो ख्याल ही ना आए तो बढ़िया है कि ये मेरे द्वारा लिखी गई है, कि मतलब मैं तुम्हें किसी भी रूप में याद ना हो, ये बोलना चाह रहा है वो। अच्छा देखो सेकंड लाइन में, इस सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन में, द हैंड दैट रिट इट, जिस हाथ ने लिखी है, तो हैंड में क्या यूज हुआ है, सिनक डकी यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाथ क्या है, इंसान के शरीर का पार्ट है, क्योंकि वो इंसान को बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है, वो कवि को बोल रहा है। जब बॉडी के किसी एक पार्ट को लेके पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाए, पूरे इंसान को रिप्रेजेंट किया जाए एक हिस्से से, तो इसे सिनक डकी कहते हैं। जैसे कि हाथ काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं मतलब इंसान काम कर रहे हैं, पांव चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं मतलब इंसान चल रहे हैं, तो हम लोग बॉडी के एक पार्ट को लेके पूरे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये सिनक डकी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो मतलब कुल मिला के उसने पहले स्टेंजा में बोल दिया, सेकंड स्टेंजा में स्पेशली ये चीज पर फोकस किया गया कि यू शुड फॉरगेट मी, तुम्हें मुझे भूलना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें मैं किसी भी फॉर्म में याद आता हूं तो व्हाट विल इट मतलब लीड टू, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यू विल बिकम सैड, तुम दुखी हो जाओगे, ये तुम्हारे तुम्हारे स्वीट थॉट्स में अगर मैं आ गया तो तुम्हें ये दुखी कर देंगे, क्योंकि तुम्हें याद आएगा कि दैट माई फ्रेंड इज नो मोर, कि मेरा मित्र अब नहीं रहा है और वो खत्म हो चुका है, तो जब तुम्हें ऐसी याद आएगी तुम्हें बड़ा दुख होगा। ओ इफ आई से यू लुक अपॉन दिस वर्स, तो बोलता है कि ओ इफ आई से, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं कि यू लुक अपॉन दिस वर्स, कि तुम कभी इस पोएम को पढ़ो, अगर तुम कभी मेरे इस पोएम को पढ़ो, व्हेन आई परहैप्स कंपाउंडेड एम विद क्ले, जब मुझे क्ले में लपेट दिया गया हो, कंपाउंडेड एम विद क्ले मतलब क्ले में लपेट दिया, इसका मतलब गाड़ दिया गया हो, दफन कर दिया गया हो, उसकी बोल रहा है कि कभी तुम इस वर्स मेरी इस कविता को पढ़ो जब मैं दफन हो चुका हूं, मतलब मर चुका हूं, दफन हो चुका हूं, डू नॉट सो मच एज माई पुअर नेम रिहर्स, तो इस कविता को पढ़ के तुम इस बेचारे व्यक्ति का नाम मत रटना, रिहर्स मतलब रिपीट करना, डू नॉट मत करना सो मच एज माई पुअर नेम रिहर्स, कि मेरा इस बेचारे व्यक्ति यानी मेरे खुद के लिए बोल रहा है कभी अपने खुद के लिए, कि मुझे तुम याद मत रखना, मेरा नाम मत रिपीट करना, मत रटना,
बट लेट योर लव सी लव इवन विद माई लाइफ डिके, बल्कि तुम क्या करना, लेट योर लव अपने प्रेम को इवन विद माई लाइफ डिके मेरे जीवन के साथ में खत्म होने देना। जिस तरीके से मेरा जीवन खत्म हो गया और मुझे दफना दिया गया, अब दफन होने के बाद बॉडी भी खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, उसी तरीके से जिस तरह से मेरी लाइफ डिके हो गई, खत्म हो गई, उसी तरीके से तुम अपने प्यार को, मेरे प्रति अपने प्यार को खत्म कर देना। यू शुड एंड योर लव टुवर्ड्स मी, कि मेरी तरफ जो तुम्हारा प्यार है ना वो उसे तुम मिटा देना, खत्म कर देना। क्योंकि अगर प्यार रहेगा तो याददाश्त रहेगी, यादें रहेंगी तो दुख मनाएगा कभी कि भाई मतलब वो सॉरी इसका फ्रेंड दुख मनाएगा कि मेरा मित्र अब नहीं रहा। इसलिए बोल रहा तुम अपने प्यार को ही खत्म कर देना जो मेरे प्रति तुम्हारा है, जिस तरीके से मैं खत्म हो रहा हूँ उसी तरीके से अपने प्यार को भी खत्म कर देना। लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून। देखो वाइज वर्ल्ड में क्या है, वाइज वर्ड अगेन वो साउंड का रिपीटेशन, इट्स एन एलिट्रेशन, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट है ना वो साउंड, ये एलिट्रेशन हो गया। लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून एंड मॉक यू विद मी आफ्टर आई एम गॉन। लेस्ट हमेशा नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, अपने ग्रामर अगर पढ़ी हो कभी, मतलब मॉडल्स पढ़े हो तो लेस्ट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है ना, दिखने में ऐसा लगेगा पॉजिटिव सेंटेंस परंतु नेगेटिव मीनिंग होता है। लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून। अब देखो इस लाइन में एक्चुअल में पोएट एक तरीके से सेटायर भी मार रहा है ना, वो एक तरह से कटाक्ष कर रहा है किसके ऊपर, इस वाइज वर्ल्ड संसार को बोल रहा है, बड़ा बुद्धिमान संसार, कि लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून, इस बुद्धिमान संसार को तुम्हारा रोना नजर नहीं आना चाहिए। दैट दिस वर्ल्ड शुड नॉट नो दैट यू आर बेसिकली ग्रीविंग ऑन मी और वीपिंग ओवर मी, कि तुम मुझ पे विलाप कर रहे हो या तुम मेरे ऊपर दुख व्यक्त कर रहे हो, ये इस वाइज वर्ल्ड को नहीं पता लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पता लग गया तो क्या होगा, एंड मॉक यू विद मी आफ्टर आई एम गॉन, कि ये आप ये तुम्हारा क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, दे विल मॉक यू विद मी, मेरे साथ साथ ही तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, यानी जब मैं मर चुका हूंगा तो मेरे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब ऐसा क्यों बोला राइट, मतलब 300 साल गुजर गए, 300 या 400 साल गुजर गए थे लगभग, 300 साल, किसी ने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ऐसा ये क्यों बोला इन्होंने। पहले विलियम शेक्सपियर की पोएट्री को सिर्फ जनरली ठीक है मित्र के लिखी गई है इसलिए इस तरीके से पढ़ा जा रहा था, पिछले 150-200 साल में इसमें नए नए मीनिंग्स निकल के आए हैं और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग ये निकल के आया है कि भाई शेक्सपियर ने जो ये 126 सोनेट लिखे हैं ना स्टार्टिंग की, ये अपने डियर फ्रेंड या फेयर यूथ के लिए लिखी गई हैं और ये सारी होमोसेक्सुअल हैं। ये क्या है, होमोसेक्सुअल लव को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि गे रिलेशनशिप, समझ रहे हो, लड़का का लड़के के प्रति उस तरह का रिलेशनशिप। क्योंकि इसने जो लास्ट की दो लाइन लिखी है, देखो क्या है इस कपलेट में, क्या बोला है इसने, इस कपलेट में बोला है कि लेस्ट द वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून, कि तुम्हारे विलाप को ये बुद्धिमान संसार देख ना पाए, क्योंकि अगर देख लिया तो व्हाट विल हैपन, ये होगा कि दैट यू एंड मी वी बोथ विल बी मॉक्ड, हम दोनों का क्या होगा, मजाक उड़ा दिया जाएगा आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं मर चुका हूँ तो मेरे पीछे मजाक उड़ाएगी दुनिया। क्यों मजाक क्यों उड़ाएगी, कि एक लड़का दूसरे लड़के पे विलाप कर रहा है। अगर मान लो एक प्रेमी प्रेमिका के ऊपर विलाप करे तो समझ में आता है, एक प्रेमिका प्रेमी के ऊपर विलाप करे तो समझ में आता है, एक व्यक्ति अपने परिवार के मेंबर पे विलाप करे तो समझ में आता है, परंतु एक लड़का लड़के पर रो रहा है, मतलब जैसे मैंने दो एग्जांपल्स दिए कि प्रेमी प्रेमिका पे रोए या प्रेमिका प्रेमी पे रोए या परिवारजनों की मृत्यु पे कोई परिवारजन रोए, वहां समझ में आता है, इंटीमेसी समझ में आती है, परंतु एक लड़का दूसरे लड़के पे रो रहा है फ्रेंडशिप में, इस तरह का विलाप, जिस तरह का विलाप ये मतलब यहाँ शो कर रहे हैं, लास्ट में खुद अपने डाउट भी वो जाहिर कर रहा है कि ये दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, मेरा भी मजाक उड़ाएगी मरने के बाद, तुम्हारा भी उड़ाएगी। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि दे हैड रिलेशनशिप हायर देन नॉर्मल फ्रेंडशिप, कि नॉर्मल फ्रेंडशिप से ऊंचा रिलेशनशिप था। इसलिए कई इंटेलेक्चुअल्स ने ये बात बोली कि होमोसेक्सुअल लव को शो करती है विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स, और इसमें ये ट्रायंफ ऑफ डेथ है ना, ये एक एग्जांपल भी है, ये सोनेट है कि होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक इस तरह का लव को शो करती है, गे रिलेशनशिप को शो करती है। इसलिए कवि लास्ट में डाउट क्रिएट मतलब जाहिर कर रहा है अपना कि तुम रो मत, तुम मुझे भूल जाओ, तुम अगर विलाप करोगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। अच्छा एक चीज इस पे ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, वो है इसका टाइटल। चलो पोएम तो समझ गए हम लोगों ने, ठीक है, तो टाइटल में द ट्रायंफ ऑफ डेथ, अब पोएम पढ़ ली तो अब इजीली मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल में टाइटल का मीनिंग क्या है। पहला कि स्टार्टिंग बताने की कोशिश करता तो आपको समझने में थोड़ी समस्या होती है, परंतु आप समझ में आ जाएगा। द ट्रायंफ ऑफ डेथ, ट्रायंफ का मतलब होता है विक्ट्री यानी जीत, ठीक है,
मृत्यु की जीत टाइटल का है, मृत्यु की जीत। तो मृत्यु की जीत कैसे हुई इस पोएम में? देखो ऐसे हुई कि जो एक ट्रेडिशन चलता था ना वो ये था एलिजाबेथन एज में स्पेशली, कि भाई पोएट क्या करता था, मृत्यु को हराने की कोशिश करता था। वो जिसके ऊपर पोएम लिखता था ना वो ये ट्राई करता था, जिस व्यक्ति के ऊपर पोएम लिखी जा रही है मैं उस व्यक्ति को अमर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मृत्यु उसके शरीर को तो खत्म कर देगी परंतु उस व्यक्ति को मार नहीं पाएगी, क्योंकि देखो थ्योरी ये है कि एक व्यक्ति जब तक मरा हुआ नहीं माना जाता तब तक उसे संसार याद रखता है। जब तक उसे मरा हुआ नहीं मानते, शरीर खत्म हो जाता है परंतु वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं मानते। हम लोग जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनके आगे स्वर्गीय कभी नहीं लगाते, स्वर्गीय महात्मा गांधी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय बी आर अम्बेडकर, स्वर्गीय भगत सिंह नहीं बोलते हम लोग, कभी नहीं बोलते, है ना? क्यों नहीं? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए मरे नहीं है, शरीर खत्म हुआ है उनका, वो लोग आज भी हमारे लिए जिंदा है, उनके सिद्धांत जिंदा है। इसलिए ना ये एक तरीका होता था कि किसी व्यक्ति को अमर करना होता था उस पर पोएट्री लिखी जाती थी, पोएट उस पोएट्री के थ्रू से अमर करने की कोशिश करता था और मृत्यु को हराता था। परंतु इस पोएम में पोएट क्या चाह रहा है कि मरने के बाद में मैं भुला दिया जाऊं, मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे भुला दे, मुझे भूल जाए, इसलिए यहाँ पर मृत्यु की जीत हुई है। वो मृत्यु की जीत उसने करी है, आप जानिए को वो चाहता ही है कि उसे भुला दिया जाए और मृत्यु की जीत हो जाए। ठीक है, अब बात समझ में आई? क्योंकि जो वो कर्स था ना, ओब्लिवियन, कर्स ऑफ ओब्लिवियन बोलते हैं उसको, भूल देने, भुला दिया जाने का कर्स। क्योंकि देखो हम आम लोग होते हैं, हमारे आम जिंदगी में हम फैमिली मेंबर्स उनके आगे स्वर्गीय लगाते हैं, कारण ये होता है क्योंकि उन लोगों का भविष्य में, मतलब कहने का मतलब जिसने कुछ स्पेशल कार्य नहीं किया, नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जी के मर गया, वो मतलब उसको एक पीढ़ी नहीं दूसरी पीढ़ी बाद में भुला ही दिया जाएगा, आगे वाली पीढ़ियां उसे याद नहीं रखेंगी कौन था क्या था, इस तरह की चीज होती है। तो जो कर्स ऑफ ओब्लिवियन बोलते हैं ना इसको, कर्स ऑफ ऑब्लिवियन, वो एक कर्स ऑफ ऑब्लिवियन है ना, ये भूलने का कर्स है कि आपको भुला दिया जाए, जब आपको भुला दिया जाएगा तो आप सही मायने में मर चुके, मर गए, क्योंकि अब आपको दुनिया को ये पता ही नहीं कि कभी ऐसा कोई व्यक्ति भी रहा था। तो ये होती है सही मायने में मृत्यु। तो यहाँ पे मृत्यु की जीत इसलिए बताई क्योंकि कवि ये बोल रहा है कि मुझे भुला दो, वो सरेंडर कर रहा है खुद ही अपने मतलब फ्रेंड से, अपने तरीके से मित्र से बोल रहा है कि भाई मुझे तुम भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्यु की विजय बताई गई है, डेथ की। समझ में आ गया बच्चों? तो ये अपनी सोनेट थी। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइम स्कीम क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, बाकी सब क्या है, वो तो मैं क्रिटिकल एप्रिशिएशन की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन बताई, समझाई मैंने। अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।